हरिओम, मेरा नाम साधना वीरा देशपांडे है। मैं मुंबई से हूँ। मैं बापूजी से 2000 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं आज आपको एक श्रद्धावान भक्त को आया हुआ अनुभव आपको बताने जा रही हूँ। ये श्रद्धावान स्त्री सावंतवाड़ी से है और इनका नाम नवीना वीरा वाड़के है। नवीना वीरा वाड़के इनको एक पतपेढ़ी में कैशियर की नौकरी मिली थी और यह उनको उसमें कैश हैंडलिंग का काम करना था। यह काम उनके लिए नया ही था, इसके बारे में इनको बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ सीखती गई। एक दिन ऑफिस में बिजली नहीं थी और कंप्यूटर भी बंद था, तब एक कस्टमर उनके पास आया और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पैसे निकलवाने हैं। तब नवीना वीरा ने कहा कि आज कंप्यूटर बंद है इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दे सकती हूँ। तब उस कस्टमर ने अपना पासबुक उनको दिखाया और कहा कि इसमें सब एंट्रीज़ है, आप इसको देखकर मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। तब नवीना वीरा ने उनसे विड्रॉवल स्लिप भरवा के उनको कहे हुए पैसे दे दिए। फिर दोपहर को जब बिजली वापस आई तब वो नवीना वीरा कंप्यूटर पर एंट्री करने का काम करने के लिए बैठ गई। तब एंट्री करते समय उनको ध्यान में आया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उन्होंने उस कस्टमर को ज़्यादा पैसे दे दिए थे क्योंकि उनके अकाउंट में बहुत कम पैसे थे। ये जब बात जानते ही नवीना वीरा बहुत घबरा गई। उन्होंने इस बात का जिक्र ना तो ऑफिस में किया और ना ही घर पे। फिर वो घर पे जब दोपहर को खाना खाने के लिए आई, उन्होंने मातृवात्सल्य उपनिषद खोला और उसमें से शिवगंगा गौरी नामावली का पठन करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने बापूजी से बात की, बापूजी आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उससे 12000 रुपये ज़्यादा उस ग्राहक को चले गए हैं। उसके बाद फिर वो वापस ऑफिस आई और ऑफिस में आने के बाद उन्होंने अपना बचा हुआ काम पूरा किया और उस एजेंट को फ़ोन किया जिसके पास इस ग्राहक का अकाउंट था। उन्होंने उस एजेंट से कहा कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे गलती से ज़्यादा रुपए से इस ग्राहक को चले गए हैं, आप कृपया इस ग्राहक को फ़ोन कीजिए और उससे पूछिए कि क्या वो मेरे पैसे वापस कर देगा। और उन्होंने एजेंट से ये भी पूछा कि वह आदमी कैसा है, वो क्या मेरे पैसे वापस कर देगा। तो उस एजेंट ने कहा कि मैं तुमको ये कैसे बता सकता हूँ कि वो तुम्हारे पैसे वापस कर देगा। फिर उसके बाद नवीना वीरा वापस शाम को घर वापस आई और वापस आके उन्होंने बापूजी से कहा, बापूजी अब आप ही कुछ करिए क्योंकि ये 12000 रुपये मैं भर नहीं सकती हूँ। उसके बाद दूसरे दिन वो हमेशा की तरह ऑफिस में आई। ऑफिस में आके वो उस एजेंट की राह देख रही थी क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि उस एजेंट ने उस ग्राहक से बात कर ली होगी। थोड़ी देर बाद वो एजेंट उनके सामने आकर मुस्कुराते हुए उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने पैसों की गड़ी नवीना वीरा के हाथ में थमा दी और कहा, इसमें से तुम्हारे जो 12000 रुपये है वो तुम रख लो और बाकी के पैसे मुझे वापस कर दो। नवीना वीरा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वो उस खुशी में उन्होंने एजेंट को पूछा कि ये आपने कैसे कर लिया, आपने उस आदमी से क्या बात की, उसने पैसे कैसे वापस कर दिए। तो उस एजेंट ने कहा कि कल शाम को जब तुम्हारा फ़ोन आया था तो उसके तुरंत ही बाद इस कस्टमर का फ़ोन आया और उसने कहा कि उस लड़की ने शायद गलती से मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, तुम उस लड़की को वो पैसे वापस कर दो और जितना मेरा बनता है उतना तुम मुझे दे दो। उसके बाद नवीना वीरा ने उसमें से 12000 रुपये अपने ऑफिस के उसमें रख लिए और बाकी के पैसे उस एजेंट को थमा दिए। नवीना वीरा को बहुत खुशी हुई, उनकी खुशी से उनके आंखों में आंसू आ रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब जो किया है उसे बापूजी ने ही किया हुआ है, क्योंकि जैसे पैसे उन्होंने कल ग्राहक को थमाए थे वैसे के वैसे पैसे ही उस ग्राहक ने उनको दूसरे दिन दिए हुए थे। फिर और उसके ऊपर से नवीना वीरा का यह पूरा विश्वास था कि बापूजी ने इस घटना के बाद उनसे शिवगंगा गौरी नामावली का पठन भी करवा लिया और उसके बाद उन्होंने उनके पैसे भी वापस करवा लिया और ऊपर से उस आदमी ने उनकी इस गलती के लिए उन्हें कुछ भी नहीं कहा। नवीना वीरा का पूरा विश्वास था कि ये सिर्फ और सिर्फ बापूजी ने ही किया हुआ है। हरिओम श्री राम अम्बज्ञ।